सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने व्याकरण की क्लास में काल पाठ 12 काल इस विषय पर पढ़ेंगे। और बच्चों, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है व्याकरण, जब तक आप हिंदी के कुएं में उतरेंगे तो आपको वहां पर व्याकरण के जाल में जरूर फंसना पड़ेगा। जब तक आप व्याकरण में उलझेंगे नहीं और उनको समझ समझ के बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप हिंदी कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा ही अंग्रेजी में भी है, उसमें आपको ग्रामर पढ़ना होता है और तब आप हिंदी, आप जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं आपके, वो सही बनते हैं। और हिंदी में भी जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान ना हो, एक एक चैप्टर का ज्ञान ना हो, तब तक आप लाइनों को, अपने वाक्यों को सही रूप नहीं दे पाते हैं। बच्चों, आप लोग डेली यूज में हम देखते हैं, आप लोग लिख रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग के आईने पे जो धूल जम गई है उसे थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है। आप हर काल हर समय के विषय में आप बात करते हैं, बस आपको ये नहीं मालूम है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये इसे ही काल कहा जाता है। तो आइए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। तो पाठ 12 काल। बच्चों, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ समय होता है। काल का अर्थ समय, काल का अर्थ समय होता है। अब हमें इस समय को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि हर काम किसी भी समय हो सकता है, आने वाले समय में होता है, प्रेजेंट में हो सकता है, वर्तमान में यानी, और या फिर बीत चुका है, इस तरह के समय होते हैं। आप इनका उपयोग करते हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है कि इसे ही काल कहते हैं। आज हम इसे साफ कर ही देते हैं। तो काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। अब देखिए, मेन इसका वर्ड क्या आता है? समय। काल हमें समय का पता करता है, ये काम कब हुआ, कल हुआ, आज हुआ या आने वाले कल में होगा, इसे ही काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम किस तरह दे सकते हैं? इसकी परिभाषा हुई, काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जिससे संपन्न होने के, जिससे कार्य संपन्न होने के, काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। बोध होता है यानी ज्ञात होता है, ज्ञात होता है यानी पता चलता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे मैं खेल रहा था, दूसरा मैं खेल रहा हूँ, तीसरा मैं खेलूंगा। अब आप ही देखिए, इन तीनों वाक्यों के अंदर क्या है? पहले वाक्य में कहा गया है पुराने समय की बात। पहला वाक्य जो है, मैं खेल रहा था, ये क्या है? पुराने समय की बात है, ये बीत चुका, तो ये बीते हुए कल की बात होगी, बीते हुए कल की, या तो बीते हुए एक घंटे की, या बीते हुए पल की, लेकिन ये कार्य अभी नहीं हो रहा है, ये कार्य हो चुका। इससे आपको पता चलता है कि मैं खेल रहा था, ये बीते हुए काल का उदाहरण है। मैं खेल रहा हूँ, अब ये है वर्तमान, ये समय जो अभी चल रहा है, जो बीता नहीं है और न आएगा, ये कंटिन्यू है, ये अभी चल रहा है, ये है वर्तमान काल। तो इसका उदाहरण है, मैं खेल रहा, इसमें भी समय का पता चला आपको क्या, कि ये काम अभी भी हो रहा है। अब मैं खेलूंगा, तीसरा क्या है? मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा यानी भविष्य में, आने वाले समय में खेलूंगा, ना मैं अभी खेलूंगा, ना मैं खेल चुका, मैं एक घंटे बाद खेलूंगा, तो वो एक घंटा आएगा तब आप खेलेंगे। मैं 4 बजे खेलूंगा और अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी तो 4 बजने में भी 4-5 घंटे बाकी, तो आपने कहा कि मैं 4 बजे खेलूंगा, तो जब 4 बजे का वो समय आएगा तब आप खेलेंगे। तो ये तीनों, देखिए आपको तीन समय का पता
देते हैं। तो हम इसी से हमें समझ में आ गया कि काल के भेद कितने होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब भूतकाल, जैसा कि मैंने कहा कि बीता हुआ समय, जो बीत गया, जो कार्य संपन्न हो चुका। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा है अभी। भविष्य काल, आने वाला समय, जो अभी आएगा। इन तीनों का मतलब यही हुआ। तो बच्चों, मैं आपको एक एक का एक्सप्लेन कर देती हूँ। भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल में जो कार्य किया जाता है, भूतकाल के कार्य क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय का पता चलता है। जैसे तुमने, ये देखिए, मैं भूतकाल का उदाहरण देती हूं। तुमने तुमने अच्छा गाना गाया गाया। अब क्या है, ये गाना तो गा चुकी, यानी गाना खत्म हो चुका। जब गाना बच्चे ने गाया तो ये कार्य पहले हुआ, तो आपने सुना, सुन करके आपने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि इसने बहुत अच्छा गाया, यानी वो समय बीत गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये है भूतकाल। यानी ये जब गाना तो इससे पहले गाया, तभी तो आप रिजल्ट बताओगे। अब आता है वर्तमान का। इसी तरह हम और भी गर्व कर सकते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, हो रही, वर्षा हो चुकी, यानी बरसात हो रही थी लेकिन अब वो बंद हो गई है। मैंने खाना खा लिया, आपसे इसी ने पूछा खाना खा लो, आपने कहा मैंने खा लिया, यानी आपसे पहले मैं खा करके ये काम खत्म कर चुका। तो अब आते हैं हम लोग वर्तमान काल की तरफ। तो वर्तमान काल में क्या है कि वर्तमान काल वह समय होता है जो समय चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया जो समय चल रहा है। इसका उदाहरण, जैसे तुम घर सजा रहे हो। अब जब सजा रहे हो, यानी तुम कंटिन्यू लगातार अभी कर रहे हो, काम पूरा नहीं हुआ, ना पहले पूरा हुआ ना आगे पूरा होगा, अभी ये काम चल रहा है, अभी हम इस काम को कर रहे हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो अभी तो मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, या मैं कहूँगी कि मैंने विशेषण पढ़ा दिया, तो ये भूतकाल होगा, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना। इसके बाद मैं अनेकार्थी शब्द पढ़ाऊंगी, यानी आने वाले समय में मेरा टॉपिक होगा अनेकार्थी शब्द। आपने काल के विषय में जाना, तो तुम घर सजा रहे हो, ये कौन सा हुआ, बिल्कुल सही, वर्तमान काल। मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्तमान काल। अब आता है भविष्य काल। भविष्य काल जो है आगे आने वाला समय कहलाता है, जो समय आएगा उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो इसका उदाहरण होता है, जैसे हम लिखते हैं तुम्हारा स्कूल खुल गया होगा, है। न तो खुल चुका है स्कूल, न वो खुल रहा है स्कूल, यानी हम लोग सोच रहे हैं कि शायद भविष्य में स्कूल खुल गया होगा, एक कयास लगा रहे हैं। तो ये कयास भी क्या है, भविष्य के लिए ही है। अब आता है हम पिकनिक जाएंगे, हमने प्लान किया है, हम पिकनिक गए नहीं हैं और पिकनिक से लौटे नहीं हैं, हमने प्लान किया है सिर्फ कि हम पिकनिक
जाएंगे, यानी किसी भी समय हम लोग पिकनिक जाएंगे, या कोई निश्चित डेट आपने तय कर ली है तो आप बताओगे मैं 20 तारीख को पिकनिक पर जाऊंगा। तो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों, जिनके आगे आप देखोगे, जिनके आगे रहता है गया, गाया, एक मिनट, मैं आपकी किताब बुक ले रही हूँ, बुक से आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है, माँ कपड़े धो चुकी है, अब बताइए कौन सी क्रिया है, धो चुकी, काम तो खत्म हो चुका, तो ये हुआ भूत का, यानी काम खत्म हो चुका। अब आता है माँ कपड़े धो रही है, देखिए एक ही वाक्य है, एक ही बात रिलेटेड है माँ से और कपड़े से, लेकिन इसे तीन समय में इस कार्य को संपन्न करते हुए दिखाया गया है। माँ कपड़े धो रही है, यानी वर्तमान में माँ कपड़े धो रही है। माँ कपड़े धोएगी, यानी आगे के काम सरता करके तब माँ कपड़े धोएगी, आने वाले समय में माँ कपड़े धोएगी। अब इसका जो उदाहरण रहता है भूतकाल का उदाहरण, इसमें आप देखोगे गया, चुका, पढ़ ली, खा ली, खा चुके, चुके, किया, गया, हो गई, पी लिया, पहुंच गए, ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वो भूतकाल के होते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान काल में, क्या रहता है, जैसे खा रहा है, लिख रहा है, रही है, रहे है, जब आता है तो वो होता है वर्तमान काल। अब भविष्य काल में आता है जाऊंगा, आएंगे, जाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, सब काम होने वाला है, इस तरह के जब गागे की लग जाता है तो वो भविष्य काल में आ जाता है। तो बच्चों आपके ये बुक में भी बहुत से अभ्यास दिए हुए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आप ये अभ्यास बनाएंगे, और कोई आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको फिर उस कन्फ्यूजन को दूर करने की का प्रयास करूँगी। तो बच्चों काल में एक बार फिर इसके विषय में बता देती हूँ, काल का अर्थ समय होता है, काल का अर्थ समय होता है, काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। अब देखिए काल में समय की महत्ता ज्यादा है, तो इसकी परिभाषा एकदम क्लियर है, काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने का समय बोध होता है, कार्य संपन्न होने के बोध को काल कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा, तीनों समय में वो अपने कार्य को कर रहा है, दिन के तीन पहर होते हैं, उसी तरह से काल का भी तीन पहर दिखाया है इसमें, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं काल के, इसके तीन प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, बीता हुआ काल, चलता हुआ समय और आने वाला समय। तो वो भूतकाल का उदाहरण हमने देखा, तुमने अच्छा गाना गाया, गाना गा चुकने के बाद तुमने निर्णय लिया कि इससे बहुत अच्छा गाया, तो ये हुआ भूतकाल वाला वाक्य। तुम घर सजा रहे हो, वो काम अभी कर रहा है, तो वह वर्तमान काल में भी वही काम कर रहा है, इसलिए ये वाक्य हुआ वर्तमान काल। तुम्हारा स्कूल खुल गया होगा, हम पिकनिक जाएंगे, अब यहाँ कयास लगाया गया है, न भूत में है न वर्तमान में है, ये भविष्य की चिंता है, खुल गया होगा, हुआ तो नहीं, हम पिकनिक जाएंगे, अभी सोच ही रहे हैं पिकनिक जाने के, ये हुआ भविष्य की कल्पना है, इसलिए ये हुआ भविष्य काल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको अनेकार्थी शब्द समझाऊंगी, समझ में आ गया आप लोगों को, धन्यवाद।